छात्रों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए समुद्रपुर तालुका में जूनियर कॉलेज 1 अक्टूबर से शुरू किया जाना चाहिए। विदर्भ जूनियर कॉलेज शिक्षक संघ समुद्रपुर तालुका की ओर से तहसीलदार राजू रणवीर के माध्यम से जिला कलेक्टर वर्धा को एक ज्ञापन सौंपा गया। तालुका के जूनियर कॉलेज पिछले 1.5 साल से कोविड-19 के कारण बंद है, इससे छात्रों को भारी शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहने पर भी यह बहुत प्रभावी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर नेटवर्क की समस्या के कारण यह देखा गया है कि ग्रामीण छात्र शिक्षा से वंचित है। साथ ही मोबाइल के अति प्रयोग ने छात्रों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। समुद्रपुर तालुका में पिछले 3 महीने से एक भी कोरोना का मरीज नहीं आया है। कॉलेज शुरू करने के लिए अधिकांश माता पिता की भी इसमें आग्रहपूर्ण भूमिका है, इसलिए जूनियर कॉलेज शुरू करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल माहौल है। संस्थानवादी और सभी प्रोफेसर भी कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए कॉलेज शुरू करने के इच्छुक है। हालांकि छात्रों के शैक्षिक भविष्य को खतरे में न डालने के लिए 1 अक्टूबर से समुद्रपुर तालुका में सभी जूनियर कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राध्यापक किरण वैद, अध्यक्ष विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन समुद्रपुर तालुका, प्राध्यापक गुलाब तुटे, सचिव विजुक्ता समुद्रपुर तालुका आदि ने की है। गत 1.5 वर्षापासून राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय बंद आहेत आणि यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होताना दिसून येत आहे आणि याकरता आज विजुक्ताच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी वर्धा यांना तहसीलदार समुद्रपूर यांचे मार्फत निवेदन देण्यात आले। त्याचप्रमाणे गट शिक्षणाधिकारी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत समुद्रपूर व विविध महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आले की 1 ऑक्टोबरपासून आपण महाविद्यालय त्वरित सुरू करावी, कारण ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा जरी उपलब्ध असली तरी सुद्धा ग्रामीण भागामध्ये विविध कारणांमुळे शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोहोचू शकत नाही आणि ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून मोठ्या प्रमाणात वंचित होण्याची भीती असून त्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होणार आहे। BCN न्यूज के लिए समुद्रपुर से प्रमोद वैद की रिपोर्ट।